गंगा जमुनी तहजीब का देश है। इस देश में सदियों से लोग एक दूसरे का एहतराम, धर्म का एहतराम, आपस में भाईचारे का एहतराम देते हुए आए हैं। जो है गणपति का त्यौहार चल रहा है, 28 गणपति है, और उसी दिन प्रॉफिट का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया जाता है। मुझे खुशी है कि यहाँ के मुसलमानों ने यह तय कर लिया कि 28 के बजाय 29 को हम रसूलुल्लाह के जन्मदिन पे जुलूस निकालेंगे। असल दोनों लोगों से मेरी गुजारिश है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कि हमारा आपसी भाईचारे की जो है ना वो बिगड़ना नहीं चाहिए। मैं खास तौर अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि देखिए, गणपति में हम आपको मुबारक देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, आप अपनी गणपति उसको अच्छी तरह मनाइए, लेकिन जब कहीं मस्जिद आ जाए ना, कोई मदरसा आ जाए ना, तो ये ऐलान कर दीजिए आप कि हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है और उनकी अजान होती है, और इमाम साहब जब नमाज पढ़ाते हैं और उस वक्त डीजे बजता है या जोर से आवाज़ आती है, तो इमाम साहब की आवाज़ जो नमाजी है वो नहीं सुनते, तो इनके मास्क खराब हो जाती है। सिर्फ इतना करेंगे ना कि आपके भी मुसलमानों की मस्जिद है, यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ी देर पर बजाने बजाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मैं सकता हूँ इससे मुसलमानों के अंदर एक मोहब्बत बढ़ेगी।